तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूजेन यूनफी से उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में पूछती है। तभी यूनफी अपना मास्क हटाते हुए बोलता है, मैं यूनहाई विला का यूनफी हूँ, जो सुनते ही वहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब यूनफी को देखकर यूजेन काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि जब उसे पता चला था कि यूनफी टोंगटियान रिवर में गिर गया है, तब उसे लगा था कि वह दोबारा कभी यूनफी से नहीं मिल पाएगी। तभी एल्डर बोलते हैं, यूनफी तुम बिल्कुल टियान सिंह जैसे दिखते हो। तभी एल्डर हंसते हुए बोलते हैं, यूनफी तुम इतने सालों के बाद यहाँ पर लौटे हो और अब तुम्हारी पावर जिन डान रैलम की हो चुकी है, और अगर मास्टर लिफेंग को इस बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होंगे। तभी लीजेफेंग बोलता है, मास्टर तो क्या आप सच में यूनहाई विला के यूनफी हो? पर आज से 7 साल पहले तो वह गायब हो गया था। अब यूजेन यूनफी से पूछती है कि पिछले 7 सालों से वह कहाँ पर था, जिस पर यूनफी उसे बताता है कि जब वह रिवर में बहता हुआ नदी की दिशा की ओर जा रहा था, तभी एक मास्टर ने उसे बचाया और उसे अपने साथ रखकर ट्रेनिंग दी। यूजेन बोलती है, तो अब तक आपने यहाँ पर मास्क क्यों पहन कर रख रखा था? यूनफी बोलता है, यह एक बहुत लंबी कहानी है, मैं इस बारे में तुम लोगों को बाद में बताऊंगा। तो पहले हमें इस जगह पर कल्टीवेशन करके अपने पावर लेवल्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर काफी ज्यादा मात्रा में कल्टीवेशन ऑरा मौजूद है। अब एल्डर साओसान और अपने सोल्जर से उस एरिया को सर्च करने के लिए बोलते हैं, जिससे यहाँ पर छिपे हुए मॉन्स्टर्स से उन्हें कोई खतरा ना हो। तभी सियाओ और मंक काफी तेजी से जाकर ग्रेट स्टोन के ऊपर से कलरफुल एक्सिलर को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसका यूज करते हुए वह लोग युआन डान रैलम पर पहुंच सकते हैं। उसी वक्त यूनफी की नजर वहां मौजूद एक प्लांट पर जाती है, जिस प्लांट पर कई सारे सोल फ्रूट मौजूद होते हैं। अब यूनफी पास जाकर देखता है तो वह 5 एलिमेंट सोल फ्रूट होते हैं, जिसे खाने के बाद किसी भी पर्सन की सोल पावर बढ़ जाएगी और पर्सन कल्टीवेशन करके काफी आसानी से युआन डान रैलम पर पहुंच जाएगा। और अगर मंक ने इस फ्रूट को युआन डान रैलम पर पहुंचने के बाद खाया तो वह जिन डान रैलम पर भी पहुंच जाएगा। तभी मंक और सियाओ यूनफी के पास आते हुए उसे एक बोतल कलरफुल एक्सिलर देते हैं। तभी यूनफी उन दोनों को 5 एलिमेंट सोल फ्रूट देता है, जिसे खाकर वह दोनों अपनी ट्रेनिंग कर सके। अब उस सोल फ्रूट को लेकर सियाओ और मंक एक जगह पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगते हैं। दूसरी ओर यूनफी भी उस एक्सिलर को पीने के बाद वहां बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह चारों अल्केमिस्ट इल्यूजन फॉरेस्ट से बाहर की ओर जा रहे होते हैं। वहीं वह सोच रहे होते हैं कि वह इस जगह पर जो काम करने के लिए आए थे उनसे वह काम भी नहीं हुआ और वह यहाँ पर घायल भी हो गए। तभी दूसरा अल्केमिस्ट बोलता है, अगर हमने मास्टर ये पर अटैक किया होता तो अब तक हम लोग मर चुके होते। तभी उस जगह पर काफी तेजी से यूनफी सियाओ और मंक आ जाते हैं, जिन्हें देखते ही वह अल्केमिस्ट बोलते हैं, मास्टर ये आप तो 5 कलर लोटस लाने के लिए जाने वाले थे, तो क्या आपको वह नहीं मिला? यूनफी बोलता है, वह तो मुझे बाद में भी मिल जाएगा, पर मैं यहाँ पर तुमसे पहले निपटने के लिए आया हूँ। तुम लोग ट्रेजर के लालच में मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद वह सभी लोग उन अल्केमिस्ट पर अटैक कर देते हैं। दूसरी ओर हमें टियानजिन पवेलियन के लोगों को दिखाया जाता है। तभी मुजियान के पास वह लड़की आते हुए बोलती है, हमारे लोगों ने यूनफी और उसके साथियों का रूप लेकर उन अल्केमिस्ट पर अटैक कर दिया है। दूसरी ओर यूनफी और उसके साथियों में चेंज हुए वह लोग उन सभी अल्केमिस्ट पर अटैक करके उन्हें बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। तभी एक अल्केमिस्ट अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। उसी वक्त मुजियान अपने ब्लेड से उस अल्केमिस्ट पर अटैक कर देती है, जिससे वह अल्केमिस्ट घायल होकर एक खाई में गिर जाता है। अब यह देखकर मुजियान बोलती है, उस अटैक से वह अल्केमिस्ट जिंदा बच गया होगा, क्योंकि उस पर्सन ने जो अटैक किया वह सियाओ जितना पावरफुल नहीं था, पर कोई बात नहीं, हमारा काम यहाँ पर हो गया। अब उन अल्केमिस्ट को मारने के बाद वह लोग गोंगसुन और उसके साथियों के पास जाते हुए बोलते हैं, तुमने इस जगह पर मुझे मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, पर अब यहाँ पर तुम मरोगे। और यह बोलते हुए वह लोग गोंगसुन और उसके सभी साथियों को मारने लगते हैं।
अब सभी लोगों को मारने के बाद वह एक पर्सन को जिंदा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद वह पर्सन उठकर खड़ा होता है और बोलता है, डॉक्टर ये इस जगह पर तुमने मेरे सभी साथियों को मार दिया, तो अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हमें उस केव के अंदर सभी लोगों को बैठा कल्टीवेशन करता हुआ दिखाया जाता है। वहीं मंक और सियाओ युआन डान रैलम पर पहुंच चुके होते हैं, जिसके बाद यूनफी खड़ा होता हुआ बोलता है, अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया है। जिसके बाद सभी लोग उस केव से बाहर जाने लगते हैं। तभी सियाओ के पास एक बटरफ्लाई उड़ते हुए आती है, जिसे देखते ही सियाओ यूनफी से बोलती है कि वह लोग इस जगह पर हम पर अटैक करने के लिए तैयार है। जो सुनते ही यूनफी बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि अब वह लोग आगे क्या करते हैं। जिसके बाद यूनफी यूजैन और बाकी सभी को डिवाइन वॉरियर विला में वापस जाने के लिए बोलता है। यूजैन बोलती है, यूनफी क्या तुम हमारे साथ नहीं चल रहे हो? यूनफी बोलता है, मैं कुछ दिनों बाद वहां पर आऊंगा, तब तक मेरे बारे में तुम लोग किसी को भी कुछ भी मत बताना। अब दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद यूनफी डिवाइन वॉरियर विला में आते हैं, जहां पर मास्टर फेंग खुद उसे लेने के लिए आए हुए होते हैं। और अब वह यूनफी और उसके साथियों को अपने साथ लेकर एक जगह पर आते हैं। तभी मास्टर फेंग बोलता है, डॉक्टर ये यूजैन ने मुझसे कहा कि आप यहाँ पर मुझसे कोई इम्पोर्टेंट बात करना चाहते हो। तभी यूनफी अपना मास्क हटाता है और बोलता है कि मैं यूनहाई विला का चू यूनफी हूँ। जो सुनकर मास्टर फेंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वही मास्टर फेंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, तुम्हें इस जगह पर जिंदा देखकर मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो आखिर अब तक तुम कहाँ पर थे और तुमने मुझसे भी अपनी आइडेंटिटी क्यों छिपाई? यूनफी बोलता है, मैं इतने सालों के बाद ही यहाँ पर अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेने के लिए आया हूँ। जो सुनकर मास्टर फेंग उसे बताते हैं कि जब तुम्हारे पेरेंट्स की मौत हुई तो मैं यह खबर सुनकर यूनहाई विला में गया, जहां पर मुझे डायुन डांजी मंक का ऑरा महसूस हुआ और वह मंक्स काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अगर तुम उनसे बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा। यूनफी बोलता है, तो क्या आपको इसके बारे में और भी कुछ पता है? मास्टर फेंग बोलते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स की मौत के बाद यूजैन की मदर की तबीयत भी धीरे धीरे खराब होने लगी, जिस वजह से मैं इन कामों में फंस गया और तुम्हारे पेरेंट्स के कातिलों के बारे में इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया। तो इसके अलावा मुझे और कुछ पता नहीं, पर अब क्वीन इस जगह पर ठीक हो चुकी है तो मैं इस फाइट में तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। यूनफी बोलता है, अंकल यह मेरी फाइट है तो इसे लेकर आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और अब यूनफी उस जगह पर एक ऑरा फील्ड क्रिएट करता है, जिससे उनकी बात किसी और को सुनाई ना दे। और अब वह बोलता है कि मुझे पता चला है कि जिन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को मारा था उन लोगों के साथ लियो साउटियान भी मिला हुआ है। मास्टर फेंग बोलते हैं, पर लियो साउटियान अभी तक युआन डान रैलम पर भी नहीं पहुंचा है, तो वह यह काम कैसे कर सकता है? यूनफी बोलता है, उस दिन जो पर्सन मुझे मारने के लिए आया था, हमने उसका पीछा किया और हमें पता चला कि उस पर्सन को मुझे मारने के लिए लियो साउटियान ने भेजा था और वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि लियो चैंग था। जो सुनकर मास्टर फेंग को यकीन नहीं होता है। तभी सियाओ अपने बटरफ्लाई टेक्निक का यूज करते हुए उस जगह पर जो भी कुछ हुआ था मास्टर फेंग को दिखाती है। अब यह देखकर मास्टर फेंग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। यूनफी बोलता है, लियो चैंग उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने मेरे पेरेंट्स पर अटैक करके उन्हें मारा था। अब यह सुनते ही मास्टर फेंग बोलते हैं, यूनफी तुम बस मुझे बताओ मुझे आगे क्या करना है, मैं उन दोनों को ही काफी दर्दनाक मौत दूंगा। यूनफी बोलता है, यहाँ पर आपको कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बस यह चाहता हूँ कि आप उस पर नजर रखें। यूजैन बोलती है, तो क्या इस जगह पर लियो साउटियान से हमें भी खतरा है? तभी यूनफी बोलता है, साओसान के बॉडी के अंदर जो पॉइजन पाया गया था वह पॉइजन साओसान के हैमर से उसे मिला था और लियो साउटियान ने ही वह हैमर साओसान को दिया था। जो देखते ही मास्टर फेंग को काफी गुस्सा आता है और अब वह बोलते हैं कि लियो साउटियान के पेरेंट्स के मर जाने के बाद मैंने उसे अपने बच्चे की तरह पाला, पर मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह हमारे साथ ऐसा कुछ करेगा। तभी यूनफी उन लोगों को पिल्स की दो बोतल देता है जो कि एंटी पॉइजन और रिकवरी पिल होती है, क्योंकि लियो साउटियान उन पर भी अटैक कर सकता है, इसीलिए उन्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब यूनफी मास्टर फेंग के पास आता हुआ बोलता है, मुझे यहाँ से कहीं जाना है तो मुझे एक शांत रूम दे दे
जिस जगह पर मैं 5 कलर लोटस को प्योरीफाई करके उनसे पिल बना सकूं। अब मास्टर फेंग उसे एक शांत रूम दे देते हैं जिसमें बैठकर यूनफी उस 5 कलर लोटस को रिफाइन करने लगता है। दूसरी ओर मास्टर फेंग लुओ साउटियान को अपने पास बुलाते हैं। अब साउटियान मास्टर फेंग के पास जाते हुए बोलता है, अंकल आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। मास्टर फेंग बोलते हैं, लुओ साउटियान आखिर तुम्हारी एज कितनी है। लुओ साउटियान बोलता है कि वह 29 ईयर्स का हो चुका है। मास्टर फेंग बोलता है, तुम इतने बड़े हो गए और मुझे पता भी नहीं चला। मैं क्वीन की बीमारी को लेकर इतना परेशान था कि तुम पर ध्यान ही नहीं दे पाया। मेरे साथ ट्रेजर की खोज में तुम्हारे फादर मारे गए थे और तुम्हारी मदर भी डिप्रेशन की वजह से मारी गई थी, तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं तुम्हारी अच्छे से परवरिश करूं, पर मैं इसमें फेल हो गया। लुओ साउटियान बोलता है, अंकल इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपने यहाँ पर मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मास्टर फेंग बोलता है, डॉक्टर ये इस जगह पर क्वीन के लिए पिल बना रहे हैं और एक बार क्वीन ठीक हो जाए जिसके बाद हम दोनों एक साथ वर्ल्ड टूर पर चले जाएंगे और मैं इस मैंसन की जिम्मेदारी तुम्हें सौंप दूंगा, जो सुनकर लुओ साउटियान हैरान होता है। तभी मास्टर फेंग बोलते हैं, लुओ साउटियान मैं इस जगह पर तुम्हें अपना सबसे पावरफुल वेपन देना चाहता हूँ जिसकी मदद से तुम इस विला को प्रोटेक्ट रख सको। लुओ साउटियान बोलता है, नहीं अंकल मैं अभी इतना पावरफुल नहीं हुआ हूँ कि आपके दिए गए वेपन को कंट्रोल कर सकूँ। मास्टर फेंग बोलते हैं, मैंने यह डिसाइड कर लिया है कि मैं वह वेपन तुम्हें गिफ्ट करूंगा, तो अब तुम इनकार नहीं कर सकते। जिसके बाद वह लुओ साउटियान को एक जगह पर लेकर आते हैं और अपने पास से एक जेड सील निकालकर वहां मौजूद दरवाजे को खोलते हैं। वहीं खड़ा लुओ साउटियान सब कुछ ध्यान से देखता हुआ सोच रहा होता है, इस जगह की ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक है, तो उसे आखिर कितना पावरफुल वेपन मिलने वाला है। तभी मास्टर फेंग बोलते हैं, मेरे साथ अंदर चलो। लुओ साउटियान बोलता है, पर इस जगह के अंदर जाना तो फॉरबिडन है। मास्टर फेंग बोलते हैं, मेरे बाद तुम ही इस जगह के ओनर बनने वाले हो, तो अब मेरे साथ अंदर चलो। जो सुनकर लुओ साउटियान उनके पीछे पीछे जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।